बड़ी खबर है, उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश कर दिया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने विधानसभा में यह बिल पेश किया और इसके बाद विपक्ष ने वहां पर जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की, कार्यवाही को फिर स्थगित कर दिया गया है दोपहर 2 बजे तक के लिए। लंच के बाद अब इस विधेयक पर चर्चा होगी। नारे सुनाई दिए जब यह बिल टेबल हुआ। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बिल को प्रस्तुत किया सदन के समक्ष। देखिए उस वक्त की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। सभी विधायकों को इस बिल की कॉपी दे दी गई है। लंच के बाद दोपहर 2 बजे इस पर चर्चा की बात सामने आ रही है। विपक्ष का यह कहना है, कांग्रेस का यह कहना है कि इस बिल को पढ़ने का समय उन्हें बहुत कम मिलेगा, चूंकि ये बड़ा बिल है, 800 पेजेस का बताया जा रहा है और दोपहर 2 बजे उन्हें इस चर्चा में हिस्सा लेना है। तो अगर समय दिया जाता उनको इस बिल का अध्ययन करने का, तो वो वेल प्रिपेयर्ड होकर ठीक से तैयारी करके इस चर्चा का हिस्सा बनते। यह तर्क है कांग्रेस पार्टी का। और कार्यवाही स्थगित है विधानसभा की दोपहर 2 बजे तक के लिए। बिल पेश होने के बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई। विधायकों की नारेबाजी विपक्ष की सामने आई। जब बिल प्रस्तुत किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, वो तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कामल स्मिथ कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, जो भी गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट ऑफ द डे होगी। संविधान के निर्माताओं ने, जिसमें कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से लेकर के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेकर के डॉक्टर हसरत मोहानी से लेकर के और जवाहरलाल नेहरू जी और सरदार पटेल जी से लेकर के सभी लोगों का एक मत था कि देश को समान नागरिक कानून की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि समान नागरिक कानून का कतई अर्थ नहीं कि किसी भी मज़हब या किसी भी कौम के जो धार्मिक अधिकार हैं उस पर किसी तरह का प्रतिबंध या उस पर किसी तरह की बंदिश होगी। केवल जो है वो सिविल जो कानून है वो समान होंगे। यूसीसी हिंदुस्तान में लागू है, मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून है, मौजूद है, लेकिन कोई अदालत मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक मुस्लिम मसाइल को हल नहीं कर रही है। मुस्लिम मसाइल के जो फैसले हैं वो अपने कानून के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक फैसले किए जा रहे हैं, पर्सनल लॉ के मुताबिक नहीं किए जा रहे हैं। इसका मतलब यूसीसी लागू है। आपको लाने की जरूरत क्या है? बिना लाए ही, बिना बिल लाए ही जब आप वो काम कर रहे हैं तो बिल लाने की क्या जरूरत है? और हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिल नहीं आया है तो भी हमें उन तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है, बिल आने के बाद भी उन्हीं तकलीफों से गुजर रहा है। एक बड़ी खबर है, यूसीसी पर एसटी हसन का बड़ा बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कितने भी कानून लाओ वही मारेंगे जो कुरान शरीफ में है। चुनाव से पहले यह कानून क्यों लाया गया? हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने के लिए लाया गया है बिल। ये बयान है एसटी हसन का, समाजवादी कुरान की हिदायत के मुताबिक है तो हमें कोई लेकिन अगर कोई ऐसी बातें हैं जो हमें कुरान ने हिदायत दी हैं हम उसे फॉलो करते हैं। और आज़ाद हिंदुस्तान में 76 साल से कर भी रहे, किसी को कहीं कोई परेशानी नहीं है। तमाम दुनिया के मुसलमान उन हिदायत को फॉलो करते हैं जो कुरान ने हमें दी, तो हम उसे लास्ट वर्ड मानते हैं, अल्लाह के हिदायत मानते हैं। तो अगर उसके खिलाफ कोई बात नहीं तो हमें क्या इतराज़ है? ये तर्क दिया जा रहा है जो पर्सनल लॉज है उसमें कई तरह की कमियाँ हैं, महिलाओं को समान अधिकार नहीं है और इस कानून के बाद सबको समान अधिकार मिलेगा, किसी धर्म के हो, महिलाएं हो या पुरुष हो। देखिए हम अपनी पैतृक संपत्ति में 1450 साल से बेटियों का हिस्सा देते हैं, कितना देते हैं वो अलग बात है, उसकी भी अलग लॉजिक्स है। वही हमें कुरान में बताया भी गया है, हम वही करते रहेंगे। आप कानून कितने ही बना लें हम दूसरे तरीकों से उसको फॉलो करें। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।